कल तू जैसे खेलेगी ना, तेरी जीत उस पर निर्भर करती है। को भी इतनी पछाड़ मारा, क्या जान है इसमें। ये बात है भाई, बड़ो तो अभी तक आयरन मैन के सामने टिकी से, लाखा भी इतनी आसानी से ना पछाड़ पा रहा। अच्छे से जानो कि बड़ो जैसे कच्ची खिलाड़ी को तू 2 सेकंड में चित करते, लेकिन तू ऐसा ना करेगा क्योंकि तू इन नाराजगी वालों को बड़ो की कुश्ती दिखा के उनकी नाराजगी खत्म करना चाहे। मरद से जीत सकते हैं के? ये कुछ नहीं, मारे छोरे लाखा ने जीती है। पर मारी बहू ने उसे बहुत जबरदस्त टक्कर दी है। इभी तो मैं अपनी दोनों आंखों से लकी जी को देखकर आ रही हूँ। गुस्से पे पूरा भड़क गए हैं वो। सबसे बड़ी बात तो यो है कि ये भी खुशी के मौके पे उनके चेहरे पे रत्ती भर भी खुशी ना से। अच्छा, चेहरे पे खुशी ना, तो ईद के मैं खुद खुशी कर लियो।
के बात कर रहे हो माँ जी? खुदकुशी करे आपके दुश्मन? पर आप ही ने तो सिखाया था मन्ने कि जब लोहा गर्म हो तो... आप ही की तो सीख थी कि जब लोहा गर्म हो तो उस पे जोर से हथौड़ा मार देना चाहिए। तो मन्ने यूं लगा कि वक्त आ गया से कि जोर से हथौड़ा मार दो आप। तुम्हारी संगत का असर आ रहा है तेरे पे। बिल्कुल ठीक बोली। इब एक काम कर, यो बड़ो नाम की जो चिंगारी है तो इसने भड़का, और यो जो लखा नाम का बारूद से मैं इसने हवा देती हूँ, फिर देख कितना बड़ा धमाका होता है। हाँ, धमाका? अम्बे, आज अगर तू देवर जी को पूजा भी कर लेना, वो भी कम से। उन्होंने आज तुझे बाल बाल बचा लिया, और सिर्फ थारे को ही नहीं, पूरे परिवार को बचा लिया उन्होंने। सही कह रही से तू पिंकी, मैं भी भगवान जी के साथ यो ही बात कर रही थी। भगवान जी के साथ? अरे बड़ो, यो भगवान जी से बोल दिया ठीक से, पर जो भगवान जी ने तन्ने इतनी मदद की उनको जाके तो बोल दे। वो कौन सा भगवान है? समझना है ना तन्ने, मतलब कि लकी जी। इब मैं समझ गई, पर पिंकी बात यो से ना कि मैं उनसे बाद में बात करूंगी। वो के ना, जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ मेरे से चिढ़ जाते हैं। अरे बड़ो, नेक काम करने में देर कैसी? इब फटाफट जा और जाके उगल दे, मन की बात उगल दे, मन को शांति मिलेगी। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही से। और सुन बोलना, कुश्ती लड़ने में तू कोई कसर ना छोड़ेगी? हाँ, जी जान लगा के लड़ेगी। तू बिल्कुल सही कह रही से पिंकी, मैं उनसे इब भी बात करती हूँ। हाँ हाँ, अभी जा। इसी बात का डर था हमारे को, और इसीलिए आपको इतने दिनों से आगाह भी कर रही थी, लेकिन आप हमारी बात ही ना समझ रहे थे। अरे आप जितने खुले विचारों के हो ना, जितनी दूर की सोचते हो, हमारा समाज उसके लिए तैयार ना से। और मैं ये जो सब कर रही थी ना, आपकी राह में रोड़ा अटकाने को ना कर रही थी, बल्कि अपने परिवार को इसी तूफान से बचाने के लिए कर रही थी। आज जितनी बेइज्जती हमारे खानदान और हमारे अखाड़े की हुई है ना, आज तक कभी भी ना हुई। समझ लो, ये हैं बड़ो भाभी और लक्का भाई। पूरी तरीके से, पूरे जोरों से भाभी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाभी भाई 19 थोड़े ही हैं। लक्का भाई भी ठहरे आयरन मैन। लक्का भाई ने भाभी को पकड़ा और भाओ। भाई लक्खा भाई के ऐसे दिन आ गए हैं कि जनानियों से भी कुश्ती लड़ने की नौबत आ गई। हट लगी हट यार, क्या पूछ पड़ा है, हट जा। बड़ों की खैर नहीं। आज के बाद मैंने एक नई शक्ति महसूस की लक्की जी, और वो सिर्फ आपकी वजह से। आपका बहुत धन्यवाद लक्की जी। पहली बार और आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रहा, छोड़ दियो कुश्ती, फेंक दे सारा सामान या कुएं में और बंद कर दे कुश्ती।